जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं सैकुत कुमार महाता फिर से हाजिर हूँ एक नया फिल्म रिव्यू लेके। आज का फिल्म रिव्यू है अपकमिंग फिल्म, बंगाली फिल्म, जिनका नाम है भय पे ना मतलब डरिए मत, मत डरिए, या डरिए मत जो भी बोल सकते हो आप। तो ये अपकमिंग फिल्म हॉरर फिल्म है और बंगाल में, बंगाली फिल्म में कम से कम 3 साल 4 साल के बाद हॉरर फिल्म देखने को मिलता है। ये मेरा बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ आरोप है मेरा, क्योंकि मैं हमेशा रोमांटिक फिल्म देखता हूँ, एक्शन फिल्म देखता हूँ, बंगाली फिल्म जब देखता हूँ, और दूसरे कैटेगरी का फिल्म नहीं मिलता, जैसे कि हो गया आपका एवेंजर फिल्म नहीं मिलता, हॉरर फिल्म नहीं मिलता, और कभी कभार डिटेक्टिव टाइप का फिल्म मिल जाता है कभी कभार। तो ये मेरा बहुत ख़राब लगता है बंगाली फिल्म में कि हॉरर फिल्म बहुत कम होता है, ज़्यादातर हॉलीवुड में और बॉलीवुड में हॉरर फिल्म देखने को मिलता है। बंगाली फिल्म में क्या 4 साल 3 साल के बाद एक बार देखने को मौका मिल जाता है। तो इस फिल्म में जो मुख्य किरदार है ओम साहनी, ये बहुत ही दमदार एक्टर है और बहुत अच्छा कलाकार है, हुनर कलाकार है। इसने सिर्फ बंगाल फिल्म में नहीं, इंडिया बंगाली फिल्म में नहीं है, बांग्लादेश में फिल्म की है, कम से कम 8-9 फिल्म कर लिए हैं, और बहुत कम फिल्म करता है, बहुत चूजी है, बहुत कम फिल्म करता है। और उनके ऑपोजिट में जो हीरोइन है शावंती चटर्जी, वो भी बहुत अच्छा कलाकार है, अभी भी उनके अंदर वो पोटेंशियल है लीड एक्टिंग करने का। और अब बात ये है, ये फिल्म आगे जाके चलेगा बॉक्स ऑफिस में कि नहीं, इसके लिए बहुत जन का डाउट है, क्योंकि बंगाली फिल्म में अभी चल रहा है कि जिस डेट में रिलीज़ होने वाला उसी डेट में प्रसेंजित का फिल्म भी रिलीज़ होने जा रहा है, जिनका नाम है आई कुकू आई। अब प्रसेंजित के फिल्म में तो ज़्यादा ऑडियंस आएगा, क्योंकि वो बहुत पुराना मेगा स्टार है, बहुत दिन से वो फिल्म कर रहा है, 30 साल से ज़्यादा। अब बंगाली फिल्म में मैं चाहता हूँ, मैं अपने मन से चाहता हूँ कि दोनों फिल्म देखे दर्शक और सभी फिल्म को हिट, सुपर डुपर हिट बनाए। और ये फिल्म हॉरर फिल्म मुझे ट्रेलर देख के इतना मालूम चला कि कहानी तो अच्छा है, अब एक्टिंग कितना अच्छा है, कहानी में कितना दम है, वो तो हॉल में जाके ही पता चलेगा, क्योंकि ट्रेलर में तो 15 सेकेंड या 1 मिनट में उतना पता नहीं चलता। तो जितना मुझे मालूम चला फिल्म देख के, ट्रेलर देख के, उसमें ये जो एक्टिंग सबका, स्टोरी बहुत अच्छा है, एक्टिंग सबका ठीक है, मगर सावंती को एक्टिंग में और थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनका एक्टिंग पहले जैसा नहीं है, क्योंकि बहुत दिन से बाहर था एक्टिंग दुनिया से इसलिए, या कुछ बहुत कम फिल्म करती है इसलिए। तो जो डर पैदा होगा हॉल में जाके कि डर का एहसास होगा फिल्म देख के, अंदर से डर का जो फीलिंग्स है वो आएगा कि नहीं, वो तो 27 को ही पता चलेगा, अभी क्या होता है भगवान जाने। तो मुझे तो हॉरर फिल्म बहुत अच्छा लगता है। आपका क्या बयान है कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ऑल बटन प्रेस कीजिए। बस इतना ही, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहता। जय हिंद जय भारत, अच्छे रहिए, सुस्त रहिए, और नए वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए।